तब भी और अब भी आज भी एक प्रश्न सब साधकों के भीतर रहता है कि मन बहुत चलता है, ये विचार बहुत चलता है। हम ध्यान कराते हो आप इतना सब ये, पर आंख बंद करके जब खड़े रहते हैं तो कहां, तो शरीर तो स्थिर हो जाता पर मन कहां स्थिर होता, मन तो चलता रहता, विचार तो दौड़ते रहते। तो इन विचारों का क्या करें, थोड़ा सा समझें। विचार बहुत गजब की चीज है। विचार मन ये एक ऐसा यंत्र है जो आपको जीने के लिए अद्भुत सहायता प्रदान करता है। अगर मन ही न चले, विचार ही न चले, तो हमारे में और पशु में फर्क ही नहीं रह जाता। उसके पास विचार नहीं ना, इसलिए 5000 साल पहले गाय जैसी थी, आज भी वैसी की वैसी, और आदमी 5000 साल पहले था वैसा आज भी। उसके मन ने उसको गति दी, तरक्की की, उसने आगे बढ़ा। तो मन बड़े काम की चीज है, मगर वो काम की चीज है, वो आप नहीं है। तो जैसे हम ध्यान साधना शुरू करते हैं तो पहली बात, पहली प्रतीति जो होनी चाहिए, जो होती भी है, उस पर आपको ध्यान देना है। सिर्फ कि आपको ये पता लगता है, आप ये कहना शुरू करते हैं कि मेरा मन नहीं रुक रहा है। यानी इससे एक बात तो मुझे संकेत मिलता है, मैं बहुत आनंदित हो जाता हूं मन में कि पहली घटना तो घट गई। ये कह रहा है मेरा मन नहीं रुक रहा है, मतलब मैं अलग हूं और मेरा मन अलग। इसको ये तो समझना है। आपको पता है लोग कहते हैं मैं अशांत हूं, यहां जो ध्यान साधना करने वाले आते हैं वो कहते हैं मेरा मन बहुत अशांत है। अच्छा, मतलब आप अशांत नहीं, आपका मन बहुत अशांत। तो हमने थोड़ा सा उसको डिसआइडेंटिफाइड किया, थोड़ा दूर हुए। अच्छा ये मन है, अच्छा ये शरीर, ये शरीर, ये मन है। वो जो मन है वो बड़े काम की चीज है, मगर वो आप को जैसे डिस्टेंस बने तो आप उसको रोक भी पाए। मगर क्या चक्कर है, वो रुकता क्यों नहीं। हम सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, एक ही पांव होता है, वो एक्सीलेटर भी दबाता है और ब्रेक भी दबाता है। आप क्या करते हो कि मन को रोकना, मन को रोकना, एक्सीलेटर पर पैर रख देते हो और मन को रोकना दबाते हो एक्सीलेटर जोर से। गाड़ी रोकनी है आप, गाड़ी रोकनी है आपको, कार को ब्रेक लगाना है और आपका पैर एक्सीलेटर पर, और आप और जोर से दबाते जाते हो, मन नहीं ठहर रहा, मन गाड़ी रुकी नहीं रही, गाड़ी रुकी नहीं रही, गाड़ी रुकी, वो कैसे रुकेगी और गति आ रही उसमें। इसलिए एक आम आदमी का मन इतना नहीं चलता जितना साधक का चलता। ऐसा क्यों? जितना साधक का मन अशांत होता है उतना आम आदमी का नहीं होता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है कि आप उस मन को शांत करने की कोशिश में लग जाते। कार रोकनी है तो एक्सीलेटर से पैर हटाओ, और आप तो एक्सीलेटर दबा जाते हो कि तो रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही। देखो तो आप स्वामी जी, रुकी नहीं रही, देखो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, कितनी जोर लगा रहा हूं, रुकी नहीं। अरे आप कहां जोर लगा, आप कर क्या, गति बढ़ती जा। आप सब अपने मन से लड़ने में लगे, आप सब खड़े हैं आंख बंद करके, लग तो ऐसा रहा है कि सारे बुद्धों की, सारे बुद्ध पुरुष खड़े हैं, सब शांत मौन चुपचाप, और अंदर का तूफान तो अपना अपना मालूम सब। वो तो जो नहीं देख पाए अंदर उसको लगे कि सब शांत हो गया, पर मुझे तो समझ में आता है कि क्या मामला है, अंदर तो चल रहा है। वो जो अंदर चल रहा है उसको आप कहते हो चुप चुप चुप, अरे अरे वो, अरे फिर देखो फिर आया विचार, अरे इस बारे में नहीं विचार, अरे नहीं खा, कितनी बार सोचा इस बारे में नहीं सोचना है, फिर भी चल रहा है। ये जो आप कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं। ये गलती साधक जीवन भर करता है, रोज बैठता है, रोज कहता आज तो कार रुकी जाएगी, और रखता है एक्सीलेटर पर पैर और दबाता रहता है एक्सीलेटर, कहता ये उल्टा हो रहा है। मन को कुछ भी मत करें, मन को मत छुएं। आप खड़े हैं, स्टॉप हो गया ध्यान में, या आप बैठे हैं आंख बंद करके, और जैसे शरीर बैठा है ऐसा आप शरीर को कुछ कर नहीं रहे, शरीर बैठा है ऐसा मन चल रहा है, उसको आप चलने दें, और आप एक तीसरे हो जाएं। आप जान रहे हैं कि शरीर स्थिर बैठा है और मन में विचार चल रहे हैं, उस विचारों के साथ जुड़े नहीं। आप जब उन विचारों के साथ लड़ते हैं तो आप उन विचारों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ जुड़ने का मन चल रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत गंदा विचार आने दो, अच्छा विचार आ रहा है, गंदा विचार आ रहा है,
बहुत सारे विचार आ रहे हैं, अब नहीं आ रहा है, मन ठहर जाता है। और आपके तो अरे देखो मन ठहर गया, फिर एक्सीलेटर पर रख देते हैं, आप तैयारी बैठे हो चालू करने के लिए उसको, वो ठहर भी जाता है कभी कभी, अचानक कभी एक्सीडेंटली ठहर जाता है। और आपके तो हाँ मन ठहर गया, मन ठहर गया, शांत हो गया, हाँ यही तो अनुभव चाहिए था, इसीलिए तो ध्यान के लिए आ रहे थे, आज बात बन गई, स्वामी जी को मिलकर बताएंगे, मन ठहर गया। आप ये आपके भीतर की घटना थोड़ी सी मैं आपको, तो मन का क्या करें, ये जो विचार चलते हैं इनका क्या करें, दो तीन बातें मैं अपने जीवन के अनुभव से आपसे कह रहा हूं। एक तो मैंने कहा कि हमारा पास्ट, हम जब भी बात करते हैं तो क्या बातचीत कर, कल क्या हुआ, उसने उसको क्या बोला, उसने उसका क्या छीन लिया, वो कब आएगा, उसने क्या किया, ऐसा चलता है। या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहां पहुंचना है, वैसा करना है, वैसा करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर की प्लानिंग आप मत करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी कभार पास्ट के कोई किस्से आप सुनाते हैं किसी को और हंस लेते हैं, मगर आपके साथ दिक्कत यह है कि आप जब पास्ट की बात करते हैं तो आप प्रेजेंट बिल्कुल ही भूल जाते हैं, आप पास्ट में ही चले जाते हैं। और अधिकतर मैंने देखा कि लोग अपने पास्ट की किस्से कहानी दुख भरे सुनाते हैं, और एक जो दुख उन्होंने जिया था कि उनको मार पड़ी थी, कि उनका अपमान हुआ था, कि उनकी बेइज्जती हुई उनको, वो सुनाते किसी को कि ऐसी फिर मेरी बेइज्जती हुई और मेरे आंखों में ना तो आंसू आ गए, और तब भी आ जाते हैं एकदम, मतलब आप पास्ट को वापस से जी रहे, रिप्ले कर रहे हैं, और रिप्ले पास्ट का नहीं हो रहा है, पूरी फीलिंग का हो रहा है, वापस वो सारा दुख आप, और वो जो बेचारा बैठा है सामने उसका कहीं लेना देना नहीं, उसकी तो चिंता ही नहीं आप, उसको भी बेचारे को उसके भी आंख में आंसू जाते, इतनी तकलीफ, फिर वो सोचता है कि अब इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा, तो वो भी अपना एक दुख ढूंढता है, फिर निकाल के लाता कहीं से, कहता और ये तो कुछ भी नहीं भैया, हमारे पिताजी के साथ जो हुआ बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर ये उसको रुला वो उसको रुला। मैंने बहुत लोगों को देखा रोने गाने करते रहते। कल मेरे भाई साहब का फोन आया था, मैंने उनसे कहा कि इन दिनों बहुत गाने गा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भैया ओशो ने कहा कि या तो रो लो या गा लो, तो मैंने गाने को चुन लिया, कितनी बढ़िया बात है, या तो रो लो या गा लो, कभी नहीं था रोना गाना, कुछ गा रहे हैं कुछ रो रहे हैं, ज्यादातर रो रहे हैं, क्या करें, हमको एक आदत बनानी पड़ेगी, हमारी ये आदत हो गई है पास्ट टेंस की घटनाएं बताते हैं और रोते हैं, फिर कुछ फ्यूचर का प्लान करते और चिंतित हो जाते, फिर कैसे होगा, मतलब नहीं इतना का जैसे इतना अपन ने लोन लिया तो इसका इतना तो ब्याज लग गया, ब्याज लग गया तो इतना तो फिर ये, और मान लो नहीं कर पाते तो सब बिक जाएगा फिर, और अपनी तो बारह ही बच जाएगी सड़क पर आ जाए, अभी आप कहीं नहीं बढ़िया बैठे हो सड़क पर आ रहा है, देखता हूँ इसी चिंता इसी प्लानिंग में ऐसी चिंता हो जाए, इतनी चिंता के साथ प्लानिंग क्यों कर रहे हो, मगर लोग प्लान करते हैं तो पूरे उधर चले जाते हैं, पास की बात करते पूरे, आप वर्तमान में रहते हुए भी फ्यूचर की और पास्ट की बात कर सकते हैं, वर्तमान की ताजगी को वर्तमान को बगैर खोए। तो मैं आपसे कहूं कि शुरुआत तो आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि बस आपको यह ध्यान रखना है, आज ये सूत्र लेके जाएं और आपको यह ध्यान रखना है, अपने आप को आप देखते रहना, आपको दिन में दो चार पांच बार होश आएगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको अचानक से याद आएगी कि अरे वर्तमान, तो जैसे आप किस्सा सुना रहे फिर क्या हुआ, फिर हम वहां गए और फिर गाड़ी पलट गए, आप कह रहे यार क्या मौसम हो गया, नहीं गजब का, नहीं कितना अच्छा लग रहा, ओके वहां फिर गाड़ी पलटी, अरे छे यार गाड़ी पलटी तो अच्छा लग रहा है ना, इन दिनों यार खास बात ये रहती कि कोयल कहीं दूर कूके पर सुनाई पड़ता, तो ये सुनाई दे रही, हाँ कोयल तो कूक रही यार, मतलब गजब ही हो गया यार मौसम, उसके भी समझ नहीं आता कि एकदम आपको क्या हो गया, पर आपका मौसम बदल गया। आप तुरंत आना प्रेजेंट, पर लोग नहीं आते, लोग घूमने जाते हैं कहीं, वहां बैठ के घर की बात करते हैं और रोने गाने, गाना तो नहीं रोते ही रोते, गाने गाए तो क्या बात, कहां कहां जाते हैं, इतने लाख रुपए खर्च करके विदेश विदेश जाते हैं, वहां बैठ के माथा फोड़ी करते हैं घर की, तो वो प्रेजेंट में आ ही नहीं पाते। प्रेजेंट में जीना ये एक आदत की बात है,
इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, अभ्यास लगता है, ये साधना है। ये कैसी साधना है? ये आंख बंद करके बैठना है तो थोड़ी देर की प्रैक्टिस है, मगर अब आपको दिन भर ये साधना है कि आप, और धीरे धीरे जब बाहर सत्ता तो भीतर भी सदने लगता है। जैसे किसी से बात कर रहे हैं, कोशिश करिए वर्तमान की बात, और वर्तमान की जब आप बात करते हैं तो ज्यादा बात करने को रह नहीं जाती, क्योंकि वर्तमान की कोई बात होती ही नहीं ज्यादा। सारे दुख दर्द पीछे के हैं, सारी चिंताएं आगे की है, दुख दर्द और चिंता जीवन है हमारा। वर्तमान का जो क्षण है वो बड़ा गजब का है, और आप किससे कहानी सुनाते रहते हैं, थोड़ा सा जैसे किस्सा सुना रहे, आपको याद आ जाए वर्तमान। अपने शरीर को महसूस करें, पैर की उंगली से लेकर सर तक करें महसूस। अभी आप अपने शरीर को महसूस करें,